the collision is perfectly inelastic, therefore linear momentum is conserved. That is, initial momentum of bullet p is equal to mu. Initial momentum of the bullet p is equal to mu is equal to final momentum of bullet plus pendulum just after the collision is equal to final momentum of bullet plus pendulum just after the collision. Kinetic energy. क्या पूछा? So can you repeat after final momentum? Final momentum, initial momentum of bullet p is equal to mu is equal to momentum of bullet plus pendulum just after collision. You can see kinetic energy. As it rises to maximum height. Speed and kinetic energy. Reduces to zero. देखो यही आ रहा है सॉल्व करके. सो यू कैन फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम दिस. कंसेप्ट पे ध्यान दो, वो सबको क्लियर होना चाहिए कि मैं कैसे कर रहा हूं. सर वो एक बार ब्रॉडकास्ट कर दो. Three, five, one, two, three, four. Next. Can I have question number 58? Page number 163, question number 58.
The blocks shown in figure have equal masses. The surface of A is smooth, but B has a friction coefficient of 0.1 with a floor. Block A is moving at a speed of 10 meter per second towards B, which is kept at rest. Find the distance traveled by B if the collision is perfectly elastic and if the collision is perfectly inelastic. हमें दोनों का मास सेम दिया है. हमने दिया अगर ए और बी में इलास्टिक कोलिजन है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगा और अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगा. इफ द कोलिजन इज इलास्टिक एंड इफ द कोलिजन इज इनइलास्टिक. कैसे करें? पहले अज्यूम करो इफ द कोलिजन इज इलास्टिक. इधर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है. ये स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है. अगर ए और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो जब ये आगे ट्रैवल करेगा इसकी वेलोसिटी चेंज होगी या इंटेंसिटी ट्रैवल करेगा? अगर फ्रिक्शन ना हो ए और ग्राउंड के बीच में तो ए की वेलोसिटी चेंज कर सकती है? नो no. no. नहीं no. तो ये जब बी को जाके हिट करेगा ये टेंसी करेगा. और हमने इलास्टिक कोलिजन इन 1D पढ़ा था कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज की कोलिजन होती है देयर वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज. मतलब कोलिजन के बाद ए रुक जाएगा और बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10. अब बी इसके बाद अब काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन हो गया. बी को ये पास इनिशियल वेलोसिटी है 10. उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकना है? कितना डिस्टेंस मतलब एस निकालना है. रुकना है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0. तो जब वो बी ट्रैवल कर रहा है आगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके बी रुक गया? इस रीजन में रिटार्डेशन कितनी होगी? म्यू एम जी. वो रिटार्डिंग फोर्स है. रिटार्डेशन माइनस वन. वन हो गया. मास से डिवाइड करेंगे ना माइनस म्यू जी. इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन माइनस 1, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना? 50. वो आंसर है. दूसरी बारी हमें का कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है. बट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दो बॉडीज स्टिक करेंगी कोलिजन के बाद. तो फिर उसको सॉल्व करना. तो कंसेप्ट लिख लो पहले एंड देन सॉल्व इट. कैन राइट इनपरफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. इनपरफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ए एंड बी. इनपरफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ए एंड बी. ए ट्रैवल्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. It travels with a speed of 10 meter per second. And when it collides with B, their velocities are interchanged. That is, after collision, velocity of A is 0 and velocity of B is. Velocity of A is 0 and velocity of B is. N meter per second. Retardation for B is minus mu g. And final velocity is 0. पहले तो S निकाल लो फिर second part करते हैं.
पहले एस सॉल्व कर लो। एस सबका आ गया 50 मीटर। यस। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट 50 मीटर आ गया सबका? यस सर। इन द सेकेंड पार्ट यू राइट इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, टू बॉडीज विल स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, टू बॉडीज विल स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। इलास्टिक इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेना। परफेक्टली इनइलास्टिक है, टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, देयरफॉर मोमेंटम, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ सेकेंड में, फाइंड द आंसर। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन एंड फिर यही कंसेप्ट। थोड़ा सा ध्यान से करना बस। मेरे को ये बताओ सेकंड केस में रिटार्डेशन कितने लेंगे? सेकंड केस में रिटार्डेशन कितने लेंगे? तो सेम ही आ रही है। तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ रहा है? 12.5। तो आंसर तो देखो 25 आ रहा है। रिटार्डेशन डबल नहीं
डबल कैसे है? डबल कैसे है? डबल कैसे है बोलो भी तो सही बेटा, आपके कहने से मैं नहीं मानूंगा ना, मेरे को रीजन दिया करो। सर वो बॉडीज को लीजन के बाद वो स्टिक कर दी तो सर रिटार्डेशन डबल हो जाएगी, ये क्या लॉजिक है? अब ठीक से न्यूमेरिकल को समझो, आपने वेलोसिटी निकाल ली सही, आपने कहा वेलोसिटी जो होगी कोलिजन के बाद होगी इट्स 5, यहां तक हो गया सबका? इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मैं अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं mu is equals to 2mv. ठीक है, अब जब रिटार्डेशन की बारी आएगी रिटार्डेशन इज फोर्स अपॉन मास, so it's half of initial retardation, mu g by 2. आपको क्वेश्चन में दिया था ए में और ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो सिर्फ बी पे लग रही है और मूव दोनों मासेस कर रहे हैं, तो टोटल मासेस 2m बट फ्रिक्शनल फोर्स इज mu mg, सो रिटार्डेशन हाफ होगी, माइनस में लेंगे जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a. Final velocity is 0, initial velocity is 5 का square upon 2 minus mu g by 2, मतलब सिर्फ minus mu g, minus 25 upon 2. ये step समझने वाला है, ये देखो ये सबको समझ में आ रहा है, half क्यों लेनी है retardation? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स दोनों मासेस पे नहीं लग रही, वो सिर्फ एक पे लग रही है, तो मूव तो दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगी म्यू एम जी, टोटल मासेस 2m, तो रिटार्डेशन हाफ हो गई. देखो किसी को डाउट है इसमें तो, क्लियर है? Then you have question number 64. A small particle traveling with velocity v collides with another identical body at rest. Show that if collision is not head on, sorry, spherical body of equal mass m and of radius r initially kept at rest. The center of the spherical body is located at a distance rho away from the direction of motion. Find the final velocity of two particles. This is good question. Dhyan se samajna. Because aapko iske jaise question bahut kam milenge books mein, but this is a very important concept of collisions. अमीबा से एक और स्मॉल मास है, इसका रेडियस नहीं दिया तो इसको हम पॉइंट मास मान लेंगे. इसकी वेलोसिटी दी है और ये डिस्टेंस दी है. इसने जाके कोलाइड किया, हमें दिया दोनों का मास सेम है,
साइज तो डिफरेंट शो किया पर दोनों बॉडीज का मास सेम है, मतलब इसका एम तो इसका भी है. मैं इसमें कह सकता हूं कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी. ये रेस्ट पे है, ये मूव कर रही है, इसे आके हिट करेगी, तो विल द वेलोसिटीज इंटरचेंज और नॉट? व्हाटएवर बी द आंसर, गिव रीजन. जो भी आप आंसर देते हो उसका रीजन बताओ मेरे को. कोलिजन इलास्टिक है. कोलिजन इलास्टिक है. कोलिजन इलास्टिक है. हाँ जी, क्या करें, ले लूं सेम या नहीं लूं, इंटरचेंज कर दूं? आप देखो, अगर ये इंटरचेंज ही करना होता है ना, ये एच सी का कोलिजन्स का लास्ट क्वेश्चन होता है बुक में. कभी भी इंटरचेंज कब होती है? जो हमने अभी तक स्कूल एग्जाम्स के लिए पढ़ा था, मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं होगी बिकॉज इट इज नॉट हेड ऑन कोलिजन. अगर ये मास यहां से आता ना, ऐसे जाके स्ट्राइक करता, फिर वेलोसिटी इंटरचेंज होती, इधर नहीं होगी. ये ओब्लिक कोलिजन का केस आएगा. ओब्लिक कोलिजन के लिए समझना ये जरूरी है कि अगर मैं इस सिर्फ इस पार्ट को बनाऊं, कि मेरे पास एक ये बॉल है और एक छोटी बॉल ने आके यहां स्ट्राइक किया, तो इन दोनों के, अच्छा आप लॉजिकली सोच के बताओ, ये जो छोटी बॉल है इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? अलोंग द रेडियस वो नॉर्मल डायरेक्शन जाएगा, अलोंग द नॉर्मल. अलोंग द नॉर्मल हमने किया था, फोर्स लगती है बिकॉज इस पे फोर्स लगेगी स्फीयर के कारण, तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब इस डायरेक्शन में. तो मैं इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर देता हूं, ये जो दो कोलाइडिंग बॉडीज हैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करूं, तो वो ये लाइन बनती है ऐसे. ये अगर सेंटर है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट. इधर लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सा बनना था? अगर ये ऐसे आती तो यही लाइन ऑफ इंपैक्ट था. अब लाइन ऑफ इंपैक्ट बदल गया, ठीक है. ये बॉल जा तो रही थी इधर, ये डिस्टेंस कितना दिया? दिस डिस्टेंस इज रो. ये डिस्टेंस कितना है? आर. रेडियस, ठीक है. ये डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर, ठीक. अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है. ये अगर यू है, इस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? यू कॉस थीटा या यू साइन थीटा? कॉस थीटा. यू कॉस थीटा. और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी होगी? साइन थीटा. मेरे को बताओ, यू साइन थीटा बदल सकती है या नहीं बदल सकती? यू साइन थीटा ये वाली वेलोसिटी बदल सकती है? इस स्फीयर ने, बड़े स्फीयर ने छोटे स्फीयर पे किधर फोर्स लगानी है? अलोंग लाइन के अलोंग. इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रही, तो अगर परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट फोर्स नहीं लग रही, तो वो वेलोसिटी तो बदल नहीं सकती. Yes. मतलब ये तो यू साइन थीटा ही रहेगी. अब जैसे मैंने ग्राउंड वाला क्वेश्चन किया था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस डायरेक्शन में लगेगा, अब अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, लाइन ऑफ इंपैक्ट की, इस डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाना है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2.
इनिशियली कौन सी बॉडी रेस्ट पे थी? सेकेंड, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट? कोलिजन के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, मतलब ये वन है ना, तो कोलिजन के बाद इसकी बड़े स्फीयर की वेलोसिटी तो हो जाएगी यू साइन थीटा, और जो छोटा स्फीयर है वो रेस्ट पे आ जाएगा इस डायरेक्शन में। छोटे जो वेलोसिटीज इंटरचेंज होती है ना वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होती है। जैसे मैंने कहा अगर इसमें होता ये ऐसे आके हिट करता तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती, इसकी यू थी ये रुक जाता या आगे चल पड़ता, बट इस न्यूमेरिकल में ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है तो इस डायरेक्शन में पहले स्मॉल स्फीयर की वेलोसिटी यू साइन थीटा, बड़ा स्फीयर रेस्ट पे है, तो कोलिजन के बाद छोटा स्फीयर इस डायरेक्शन में रुक जाएगा और बड़े स्फीयर की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी यू साइन थीटा। तो अल्टीमेटली छोटा स्फीयर रुका या उसके बाद कुछ वेलोसिटी बच गई? बची कौन सी? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा, तो छोटे स्फीयर की वेलोसिटी यू साइन थीटा और बड़े की यू कॉस थीटा। अब ये डायग्राम देखो, कॉस थीटा कितना है इस डायग्राम में? कॉस थीटा कितना आ रहा है? बेस कितनी है? अंडर रूट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? साइन थीटा कितना है? 9/r। तो छोटे स्फीयर की वेलोसिटी कितनी हो गई फाइनल वेलोसिटी स्मॉल स्फीयर की? u इंटू रो बाय आर। और बड़े स्फीयर की वेलोसिटी कितनी हो गई? u साइन थीटा। देखो कुछ कुछ गया दिमाग में मैंने क्या किया है, तो आपने लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग u साइन थीटा। हम क्या करते थे इलास्टिक कोलिजन की जब डेरिवेशन की थी हमने कहा था वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज। स्कूल एग्जाम में लाइन ऑफ इंपैक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं होता, बट ये वेलोसिटीज इंटरचेंज हमेशा होती है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, मतलब कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी तो रुक जाएगी तो सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ई अगर वन है तो, सॉरी ये यू साइन थीटा दी, यू साइन थीटा दी। क्या लिखा था इलास्टिक कोलिजन का क्या होता है ई की वैल्यू फॉर इलास्टिक? इलास्टिक के लिए लेस देन वन, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए जीरो। तो ये तीनों चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी। डायग्राम बनाओ ये वाला, फिर मैं लिखाता हूँ इसका कंसेप्ट। ये डायग्राम बना लो, मतलब ये तो बना ही हुआ है बुक में, ड्रॉ दिस। मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट लिखा देता हूँ ब्रीफ में, बिकॉज दैट यू विल रिक्वायर इन सॉल्विंग अदर न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑब्लिक कोलिजन। So you can write as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure, the line of impact, the line of impact of collision is
लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द कोलिजन इज लाइन जॉइनिंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन इज लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस Line of impact is the line joining the center of two masses. In elastic collision between two masses, where the collision is not head on. So last time you people do. The velocities gets interchanged if the collision is head on. But if the collision is not head on, then velocities along line of impact are interchanged. Velocities along line of impact are interchanged. As shown in the figure. एक कंपोनेंट गलत बनाए हैं दोनों को मैंने यू साइन थीटा ही लिख दिया दिस शुड बी यू कॉस थीटा वो पहले ठीक लिखा था इधर ये ठीक लिखा हुआ एज शोन इन द फिगर व्हेन अ स्मॉलर Velocities along line of impact are interchanged. As shown in the figure. The velocity of point mass M along line of impact. Before collision is u cos theta and velocity perpendicular to line of impact is u sin theta. Velocity perpendicular to line of impact is u sin theta. As no force acts on both the bodies, perpendicular to line of impact, therefore, velocities perpendicular to line of impact remains unchanged. Velocities perpendicular to line of impact remains unchanged. Velocities perpendicular to line of impact remains unchanged. After collision, bigger body moves with velocity u cos theta and smaller with velocity u sin theta. There is Vs is equal to u cos theta. फिर ये लिख लो. Vs is equal to u cos theta is equal to u rho by r, and Vb is u sin theta or u under root of r square minus rho square upon r. ये दोनों values लिख लो. U sin theta और u cos theta की. तब वो compute कर दो and smaller with velocity. Smaller with velocity u sin theta.
smaller with velocity u sin theta. इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो बिकॉज ये कंसेप्ट बहुत बारी एंट्रेंस में पूछा गया है. आपको ये बुक्स में एज अ कंसेप्ट कम मिलता है, कंसेप्ट में नहीं दिया होता ऑब्वियसली. अगर बुक ने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है तो सीधा मैथड लगाया होता है. बट आपको याद रखना है कि वेलोसिटीज इंटरचेंज होती हैं इलास्टिक कोलिजन में, बट टोटल वेलोसिटी नहीं होती. जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग हो वो चेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाती है. हेड ऑन कोलिजन में लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स एक ही होती है, तो उसमें हम सिंपल कर देते हैं इंटरचेंज हो गई. अदरवाइज फिर ऐसे करना पड़ेगा इस मेथड से. नेक्स्ट राइट. Question number 44. Question number 44, page number 162. हमें दिया ball falls on an inclined plane of inclination theta from height h above the point of impact and makes perfectly elastic collision. Where will it hit the inclined plane again? बहुत simple question है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा. हमें दिया है हमारे पास एक बॉडी है जो इंक्लाइन प्लेन को आके हिट करती है. मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है मेरा, फिक्स है ये. एक बॉडी है जो इस पे गिरती है आके कुछ हाइट से. फिर ऐसे जाती है, ये डिस्टेंस बताना है कितना एस. वेयर विल इट हिट द इंक्लाइन प्लेन अगेन, मतलब कौन कौन से दो चैप्टर्स मिक्स हो गए, एक कोलिजंस और एक प्रोजेक्टाइल मोशन. पहले इसको ट्राई करो नहीं तो फिर मैं बताता हूँ. जस्ट ट्राई हाउ यू विल डू इट. देखो मेथड बताओ कैसे करते हो, फिर नहीं तो देखते हैं. प्रोजेक्टाइल में हमने किया था कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को अलग अलग ले लो. एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसिडर कर लो, एक बार वर्टिकल डायरेक्शन और इंक्लाइंड प्लेन पे रेंज निकाल दो. यू कैन डू दैट मेथड ऑल्सो. सेम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से कह रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से सॉल्व कर देना. सॉरी एक जगह पे एक मिनट, मेरे को ये बताओ जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी उसमें थीटा क्या था? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में थीटा क्या था जो हमने लिखा था? वाई इज़ इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. उसमें थीटा क्या था? एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल. तो इसका मतलब ये जो मैंने दो थीटा सेम ले लिए, ये थीटा नहीं आएगा ना, यहाँ पे थीटा डैश आएगा. बिकॉज थीटा डैश होगा ये वाला एंगल. अभी किसके इक्वल होगा? थीटा डैश. अगर ये एंगल आपने बोला 90 माइनस थीटा तो दिस इज थीटा. अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो थीटा डैश कितना हो गया? थीटा डैश पुट करना है यहाँ पे, इधर और इधर, फिर सॉल्व होगा 90 माइनस टू थीटा. अब कंसेप्ट पे ध्यान दो, मैथमेटिक्स पे इतना ध्यान ना दो. मेडिकल में ये क्वेश्चन आएगा नहीं, नॉन मेडिकल वाले इसको सीख लेंगे अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व करनी है. नेक्स्ट राइट, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 31 इसको खुद से करो सॉल्व. अ बॉल ऑफ मास 0.5 केजी मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड collides with another ball of mass 1 kg. After collision, the balls stick together and remain motionless. What was the velocity of 1 kg ball before the collision? 0.5 kg ki ball move kar rahi hai 5 meter per second se. Dono collide ki, stick ki, to humne batana hai first ball ki velocity kitni hogi collision se pehle. Agar main aapko ye bolun ki do balls hain, मतलब आप इसको प्रैक्टिकली अगर ड्रॉ करोगे तो इट्स अ 1 मिनट क्वेश्चन, 1 मिनट भी नहीं लगेगा. ये 0.5 केजी की बॉडी है, ये मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से. ये एक दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है जो 1 केजी की है, जिसकी मेरे को वेलोसिटी नहीं पता कितनी है, लेट इट बी वी यू टू, ये निकालनी है. और हमें दिया है कोलाइड की और कोलिजन के बाद जो इनकी फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो. That makes the question very clear. Collision के बाद velocity zero है. मतलब collision कोई भी होती, अगर final momentum zero है, तो collision से पहले भी momentum zero ही होना चाहिए. Yes. है ना? अब collision से पहले momentum कितना है? 0.5 into 5. से इसको मैं अगर I cap ले लूँ, plus 1 into U2. And this should be equals to zero. So U2 kitna aa gaya? -2.5 I cap. Khatam ho gaya na hamare ko. Minus kya signify kar raha hai? Ki is ye idhar ko move karega. Ki uske velocity U1 se opposite hai. U1 agar along x axis ja raha hai, वो लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है. सो राइट द कंसेप्ट, देन यू कैन राइट इट डाउन. कंसेप्ट लिख लो एज इट इज गिवन दैट, एज इट इज गिवन दैट आफ्टर द कोलिजन, एज इट इज गिवन दैट आफ्टर द कोलिजन द बॉडीज कम टू रेस्ट. आफ्टर द कोलिजन द बॉडीज कम टू रेस्ट, इट इम्प्लाइज दैट, it implies that initial momentum of the system should also be zero. It implies that initial momentum of the system is also zero. That is, so ye step likh lo, 0.5 into 5i plus 1 into u2 is equal to zero. So u2 ki value aa jayegi. Excuse me sir. Anji. So course fir offline hongi jo online hongi classes? Dekho abhi tak mere paas sirf 5 logo ka consent aaya. To 5 to nahi, matlab 50% se zyada ho jayenge fir to hum offline kar sakte hain. But usse kam mein 5 bachcho ko to offline padhane ka koi banega nahi baat, because usi time pe mere ko fir online bhi class leni hai, to main at a time ek hi kaam kar sakta hu na, online ya offline. टाइमिंग चेंज करेंगे तो ज्यादा मुश्किल आएगी. तो लेट्स सी, एक दो तीन चार दिन और कितने लोगों का कंसेंट आता है. अभी तक मेरे को 5 लोगों का आया है सिर्फ. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर. वो जो आपने एचसी के क्वेश्चन करने उठाए थे सर, थोड़े डाउट्स करते जाओ अभी आगे, 20 के आगे भी कर दो. कितने थोड़े डाउट्स हैं? 20 में सर? नहीं सर, उसके आगे भी है, थोड़े ट्राई में डाउट्स 20 तक निकल गए. कर लो, बिकॉज़ मेरे को लगा पहले 20 में तो कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं था. नहीं सर, डाउट 20 तक आए. आप वो चैप्टर पूरा कर सकते हो. 20 तो मैंने इसलिए दिए थे कि ये ना लगे कि एक साथ सारे दे दिए, बट यू कैन कंप्लीट वर्क पर एनर्जी. लास्ट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, सर्कल के क्वेश्चन है, लास्ट के 3-4 छोड़ देना चाहिए अभी. वो जब हम रोटेशनल पढ़ लेंगे तब करेंगे.
और ये वाला चैप्टर जिसके मैं करा रहा हूँ इसके खुद से ना करना, मैं जो बताऊंगा वही करना, बिकॉज एचसी में यूनिट है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, तो हमने कोलिजन तो पढ़ लिया है, सेंटर ऑफ मास भी हमारा बोर्ड के अकॉर्डिंगली अगले यूनिट में आना है, तो इसलिए जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही करना जो मेरे को लगेगा कि अभी कोलिजन के साथ हो जाएंगे सिर्फ। सर वो असाइनमेंट करके आपको वो भेज दिए जो आपने डाली वो पीडीएफ के साथ कंबाइन? ऑनेस्टली मैं बोलूं तो आप मेरे को नहीं भी भेजोगे तो चलेगा, सिंसियरली खुद से करते जाओ, बट प्रेफरेबली उसको एक जगह पे करना, बिकॉज जो असाइनमेंट आपको मैंने भेजी थी वो शायद 5 थी है ना, उसमें से 4 असाइनमेंट बोर्ड वाली है, सिर्फ एक लास्ट वाली है जो कॉम्पिटिशन लेवल की है, तो स्कूल असाइनमेंट्स मेरे को नहीं चेक करनी है, बट अपनी तरफ से कर लो, कुछ नहीं निकलेगा तो मैसेज आए पूछ लेना, बट पहली 4 असाइनमेंट्स आपको खुद के लिए करनी है स्कूल के लिए, और मेहनत करते तो मतलब रिजल्ट अच्छा चाहिए 11th का भी, बिकॉज अभी पता नहीं अगले साल भी रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होने हैं क्या होने हैं, और न्यूमेरिकल्स थोड़े से अच्छे रखो, बिकॉज आपका भी टर्म 1 MCQ हुआ तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, थ्योरी तो आएगी नहीं। तो कल करते हैं इसके आगे।